तो आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और हाँ बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। खाने की कीमत। ये कहानी है राजपुर की, जहाँ सिया अपने दो बच्चों के साथ रहती है। सिया का पति बाहर विदेश में नौकरी करता है, वे बहुत पैसा कमाता है, इसलिए सिया और उसके बच्चों को कभी कोई परेशानी नहीं हुई। वह बहुत अच्छा खाते पीते हैं, अच्छा पढ़ते हैं। एक दिन सिया का बेटा मिंकू उससे कहता है, माँ आज रात को आप इडली सांभर बनाना, आज मेरा इडली सांभर खाने का बहुत मन है। ठीक है बेटा, आज मैं तेरे लिए इडली सांभर ही बनाऊंगी, पर मुझे प्रॉमिस कर कि तू रोज की तरह खाना नहीं छोड़ेगा, पूरा खाना फिनिश करेगा। हाँ हाँ ठीक है मम्मी, मैं खाना नहीं छोड़ूंगा। और ये क्या, आप मुझे रोज रोज खाने को पर सुनाती रहती हो। अरे पापा इतना पैसा कमाते हैं, अगर मैं थोड़ा खाना वेस्ट भी कर देता हूँ तो उसमें आपको क्या दिक्कत होती है, आपको कौन सा कहीं से कमा कर लाना पड़ रहा है। मिंकू की बातें उसकी बहन रिंकी भी सुन रही थी। रिंकी उससे कहती है, मिंकू तुम ये कैसी बातें कर रही हो, माँ से अपनी तमीज भी भूल गए हो क्या बात करने की, तुम्हें पता है ना तुम मम्मी से बात कर रहे हो। तो दीदी आप मम्मी को क्यों नहीं समझाती हो, वो रोज मुझे खाने के लिए कहती रहती है, अरे मैं उतना ही तो खाऊंगा जितना मेरे पेट में जगह होगी। हाँ मिंकू, यह तुमने सही कहा कि तुम उतना ही खाओगे जितना तुम्हारे पेट में जगह होगी, लेकिन तू प्लेट में उतना ही लेना ना जितना तुम्हें जरूरत है, पूरी प्लेट भरने की क्या जरूरत है। तुम्हारी इतनी गंदी आदत हो गई है कि तुम प्लेट में खाना इतना भर लेते हो और फिर बाद में उसे छोड़ देते हो। तुम पहले थोड़ा खाना भी तो ले सकते हो, जरूरी है पहले ज्यादा भरना। आप दोनों मेरे पीछे क्यों पड़ गई हो, मुझे जाने दीजिए। और मिंकू वहाँ से गुस्से में चला जाता है। शाम को उसकी माँ उसकी मनपसंद की इडली सांभर बनाती है, वह भी बहुत उत्सुक होता है क्योंकि उसने कहकर अपनी माँ की इडली सांभर बनवाई और उसने फिर वही दोहराया। उसने ढेर सारी कटोरी में सांभर भर लिया और कितनी सारी इडली अपनी प्लेट में रख ली। उसने दो तीन इडली खाई, उसके बाद सारा सांभर और इडली अपनी प्लेट में छोड़ दिया। यह सब देखकर उसकी बहन रिंकी को बहुत गुस्सा आता है और वह फिर उससे कहती है, मिंकू तूने फिर वही हरकत करी है, तुझे सुबह ही समझाया था कि भाई खाना प्लेट में उतना ही रख जितना तू खा सके, पहले इतना खाना क्यों भर लेता है कि बाद में वे वेस्ट हो जाता है, तुझे खाने की कीमत पता भी है। चल मेरे कमरे में चल, आज मैं तुझे समझाती हूँ कि खाने की कीमत क्या होती है। मुझे कहीं नहीं जाना है आपके साथ और मुझे कुछ नहीं सुनना है। मुझसे बहस मत कर, तेरी को मैंने कहा ना मेरे साथ चल। रिंकी उसे अपने साथ ले जाती है और उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें ना जाने कितने बच्चे ऐसे थे जो भूख से तरस रहे हैं, लोग खाने के लिए भीख मांग रहे हैं, बच्चे बूढ़े सभी, कुछ लोग तो रात को पानी पी पी कर अपना पेट भर रहे हैं। लोगों की ऐसी दशा देखकर मिंकू हैरान हो गया क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस खाने को वह रोज वेस्ट करता है लोग उस खाने के लिए इतना तरसते हैं। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपनी बहन से कहता है, मुझे माफ कर दो दीदी, मैंने तो ये माजरा कभी देखा ही नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था कि जिस खाने को मैं रोज अपनी प्लेट में छोड़ता हूँ जो वेस्ट हो जाता है उसके लिए रोज लोग कितना तरसते हैं, मुझे तो इस चीज का एहसास ही नहीं था। थैंक्स टू यू कि आपकी वजह से मुझे पता चला खाने की कीमत के बारे में। भाई हमें तो शुक्रगुजार होना चाहिए ऊपर वाले का कि उन्होंने हमें ऐसी जिंदगी दी है कि हम इतना अच्छा खाने को मिलता है, नहीं तो लोग पानी पी पी कर गुजारा करते हैं। तू जानता भी है जिस खाने को हम वेस्ट कर रहे हैं किसान उसे उगाने में कितनी मेहनत करता है, कितनी मेहनत से फसल को उगाता है, दिन रात पानी देकर, ना धूप देखता ना बारिश देखता, कोई मौसम नहीं देखता, और वह अपनी फसल की देखभाल करता है, कड़ी धूप में उसे काटता है, फिर कहीं जाकर वह फसल हमारे पास आती है, फिर उससे रोटी बनती है जिसे हम खाते हैं, और हम तुम उसे ऐसे वेस्ट करते हैं। मिंकू को अपनी बहन की बात समझ में आ जाती है और वह कुछ दिन बाद दोस्तों के साथ पार्टी में जाता है। उसका एक दोस्त उससे कहता है, मिंकू कल मेरा जन्मदिन है और मैंने रेस्टोरेंट में पार्टी रखी है, तुझे कल आना है शाम के 5 बजे, तू आ जाना हम तुझे वहीं मिलेंगे। ठीक है मैं कल 5 बजे तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। मिंकू अपने दोस्तों के पास समय से पहुंच जाता है, उसके दोस्त नाश्ते गाते हैं और केक कटिंग का समय आ जाता है, उसके दोस्त दो केक मंगवाते हैं,
एक केक को काट कर वे पहले एक दूसरे के चेहरे पर लगाते हैं और दूसरे केक को काट कर उन्हें थोड़ा ही खाया, बाकी का ऐसे ही छोड़ दिया। मिंकू यह सब देख रहा था। थोड़ी देर बाद उसके दोस्त खाना ऑर्डर करते हैं। सब लोग थोड़ा थोड़ा खाते हैं और बाकी का खाना टेबल पर ऐसे ही छोड़ देते हैं। मिंकू को यह सब देखकर अपनी बहन की बात याद आ जाती है और वह अपने दोस्तों से कहता है, तुम क्या कर रहे हो दोस्तों, इतना खाना तुम लोग वेस्ट कर रहे हो। तुम्हें पता है जिस खाने को हम लोग वेस्ट करते हैं वो कहां कहां से होकर हमारे पास आता है और ना जाने कितने लोग इस खाने के लिए तरसते हैं। मिंकू आज इतनी समझदारी की बातें कैसे कर रहा है यार, ये सब छोड़ना हमारी आदत है। अब तू क्या चाहता है कि हम ये बचा हुआ जो खाना है इसे ठूस ठूस कर अपने पेट में भरे। हम तो खाना ज्यादा ही मंगाते हैं, ये हमारा स्टैंडर्ड है। वही तो मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूँ कि हम इसे अपना स्टैंडर्ड क्यों समझते हैं। हम क्यों समझते हैं कि हम ज्यादा खाना बनाएंगे और उसे वेस्ट करेंगे तो इससे हमारी अमीरी झलकेगी। इससे हमारी अमीरी नहीं झलकती बल्कि खाना बचाकर हम किसी गरीब को दे दें जिसे उसकी जरूरत हो तो उससे हमारी अमीरी झलकेगी। अरे यार इस मिंकू को क्या हो गया है, आज कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। मिंकू यार तू आज अजीब अजीब सी बातें क्यों कर रहा है, मुझे तेरी कोई बात समझ में नहीं आ रही है। तुम लोग चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। और मिंकू अपने दोस्तों को ट्रैफिक लाइट के पास ले जाता है। वहाँ पर लोगों की कंडीशन दिखाता है जहाँ पर बूढ़े बच्चे भीख मांग रहे थे, छोटे छोटे बच्चे गाड़ियाँ साफ कर रहे थे और बदले में पैसे ले रहे थे। उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा बेकरी की दुकान पर खड़ा सिर्फ केक की तरफ देख रहा था। वह सोच रहा था कि उसे कोई खाना दे दे। मिंकू यह सारी कंडीशन उसने अपने दोस्तों को दिखाई और उनसे कहता है, देखो दोस्तों यह है हमारा देश जहाँ पर न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो भूखे सोते हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो एक ही चीज के लिए तरस रहे हैं। माना कि हम अपने देश के सभी गरीबों की मदद नहीं कर सकते लेकिन जितने भी हमारे आसपास हैं हम उनकी मदद तो कर ही सकते हैं। अगर हम इन बच्चों को कुछ खाने को दे देते हैं तो उन्हें भी कुछ अच्छा खाने को मिलता। जो खाना हमने वेस्ट किया है उसे हम बचा कर इन्हें पैक करा कर देते तो आज रात ये भी अच्छा खाना खाकर अपना पेट भर कर सो सकते थे, ये भी पानी पीकर रात नहीं काटते। तुम सही कह रहे हो, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था। जिसे हम अपना अमीरपना समझ रहे थे दरअसल वो कोई अमीरपना नहीं है। हमें तो इनकी मदद करके दिल से अमीर बनना है। हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, आज तूने हमारी आंखें खोल दी। चलो हम वापस जाएंगे और इन बच्चों के लिए पेट भर खाना लेकर आएंगे और इनको अच्छा अच्छा खाना खिलाएंगे। सारे दोस्त मिल गए और थोड़े थोड़े पैसा जमा करके उन बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए खाना लेते हैं और 2-3 केक भी लेते हैं। बच्चों और बूढ़ों को अच्छा अच्छा खाना और केक खिलाते हैं। वह बच्चे बूढ़े उन्हें खुशी से खाते हैं और उन्हें बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद देते हैं। मिंकू यह सब देखकर बहुत खुश होता है और यह सारी बातें वह अपनी बहन को जाकर बताता है तो उसकी बहन और मम्मी भी मिंकू में यह बदलाव देखकर बहुत खुश होती हैं। दोस्तों इस छोटी सी कहानी के माध्यम से आज हमने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से रूबरू कराया है। हम में से कितने ही लोग ऐसे हैं जो आजकल जन्मदिन पर केक काटते हैं और आपस में उसे चेहरे पर लगाते हैं और रेस्टोरेंट में जानकर खाना खाते हैं और आधा खाना ऐसे ही छोड़कर आ जाते हैं। रेस्टोरेंट वाले उस खाने को कचरे के डब्बे में ही डालते हैं। सोचो अगर हम वही केक चेहरे पर ना लगाकर किसी गरीब को दे दें तो उन्हें भी एक दिन अच्छा खाने को मिल जाएगा। जो खाना कचरे के डब्बे में जा रहा है वो कचरे के डब्बे में ना जाकर अगर हम बचा हुआ खाना पैक कराकर अपने आसपास के गरीब लोगों को दे दें तो एक दिन वह भी अच्छा खाना खा सकते हैं और चैन की नींद सो सकते हैं। इस छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपसे यही दरखास्त करना चाहती हूँ कि हम गरीबी अपने देश से नहीं हटा सकते लेकिन अगर हम चाहें तो लोगों की इस तरह से मदद कर सकते हैं ताकि वह लोग भी भूखे ना सोएं और पानी पीकर ना सोएं। और हम ये कह सकते हैं कि बाकी हमारे देश की गवर्नमेंट गरीबों के लिए बहुत सारी सुविधाएं दे रही हैं लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट के करने से कुछ नहीं होता। हमें अपने देश से गरीबी हटाना है तो हर कदम पर एक आम आदमी को ऊपर उठाना होगा और छोटे छोटे कदम उठाकर ही हम बड़ी मंजिल को हासिल कर सकते हैं।